भागलपुर नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुर वैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी के गोद में समा चुके हैं। वहीं गांव पर भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण दहशत में है। पिछले साल ही हुसैन बेगम ने अपना घर बनाया था, लेकिन साल भर के बाद ही उन्हें अपना आशियाना अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि कुछ ईंट बच जाएगा तो राहत होगी। वहीं लोगों का आरोप है कि अभी तक ना तो प्रशासन देखने आया, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनका हाल लेने आया है। मुसीबत की इस घड़ी में किसी प्रकार जिंदगी की जद्दोजहद खुद लड़ रहे हैं। जी हम लोग को हम रहेंगे बसेंगे, हम लोग का जुतवास नहीं है, नहीं रहने का घर है, हम रहेंगे, हम लोग को एक कमाता है खाते हैं। एक और जहां पुलिस प्रशासन को सुरक्षा का जिम्मा का भार रहता है, वहीं दूसरी ओर इसके काले कारनामे से वरीय पुलिस पदाधिकारियों को शर्मसार होना पड़ता है। वहीं नौगछिया में पुलिस वाले गश्ती दलों के साथ सड़क पर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए देखे गए हैं। ऐसी ही एक मामला रंगरा थाना क्षेत्र की है, जहां खुलेआम मवेशी की गाड़ी और छोटी गाड़ियों से गश्ती दलों के जवान अवैध वसूली करते नजर आए। पूछने पर ड्यूटी में तैनात अफसर शशि कुमार ने साफ इनकार कर दिया, जबकि इसके कारनामे हमारे कैमरे में कैद हो गई। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले गश्ती के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वरीय पुलिस अधीक्षक उक्त सभी पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। शशि कुमार, गंगा थाना से, किस चीज का वसूली किया जा रहा है? कहाँ वसूली कर रहा है? वसूली नहीं हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं? आप देखें, ये हमले रहे, वो रोका, बोले कि जाओ, हमने देखा है। सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 14 जुलाई से प्रारंभ होना है। जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर लगातार गंगा घाट एवं कच्चे कामवरिया पथ में निरीक्षण कर जायजा लिए जा रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए 3 शिफ्ट में गंगा घाट एवं कच्चे कामवरिया पथ में तैयारी की अंतिम रूप देने की बात कही है। वहीं विभाग के अधिकारियों द्वारा गंगा घाट एवं कच्ची कामवरिया पद में युद्ध स्तर से कार्य कराने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अजगैवी नाथ मंदिर के महंत परमानंद गिरी ने बताया कि अजगैवी नाथ गंगा घाट में PHD विभाग के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, जो बाहर से आने वाले कामवारियों को पानी पीने में काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही शौचालय की व्यवस्था प्राप्त मात्रा में गंगा घाट में नहीं की गई है। मेन परेशानी PHD का है, PHD कहीं ध्यान नहीं दे रही है। तमाम कांवड़िया गर्मी के मौसम में, श्रावणी में गर्म मौसम जब होता है, परेशान हो रहा, नहाने धोने के लिए उसको दिक्कत हो रही है, पानी पीने के लिए चाहिए। पहले भी गंदे हैं, जब पानी नहीं है तो शौचालय तो गंदा रहेगा ही। पानी नहीं है, नहीं पानी का व्यवस्था है, न शौचालय का व्यवस्था है, नहीं यहाँ बैरिकेटिंग, न कोई चीज तैयारी नहीं हो रहा, लगा हुआ है, धीमी गति से हो रहा। भागलपुर इशाकचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से CGM कोर्ट में ADM राजेश झा सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 CGM कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है, जिस पर ADM ने बताया कि उनके ऊपर और अन्य 5 लोगों पर जो केस किया गया है वह पूरी तरीके से गलत है। मामला उनके कोर्ट में आया था, जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस दी गई थी और एक पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे और सभी कागजातों की जांच कर फैसला दिया गया था। कहीं से भी कोई गलत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि झूठा मुकदमा है, बदनाम करने की साजिश है, जिसके लिए वे मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। जो केस किया गया है उसकी जानकारी हमको डायरेक्ट तो नहीं मिली है, इनडायरेक्ट रूप से मिली थी। तो उसमें मामला ये था, जो जिन लोगों की जमाबंदी जो है सो कैंसिल की गई है वो एक व्यक्ति हैं, और मेरे अलावे जिन लोगों पर किया गया है उन लोगों ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद के तहत 26/21/22 के तहत यहाँ केस किया था।
केस में जो है सो एडमिशन में बजाबते सीओ से रिपोर्ट मांगा गया, रिपोर्ट आ जाने के बाद उसको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद सभी पक्ष को सूचना निर्गत की गई। सूचना निर्गत के उपरांत एक ही पक्ष उपस्थित हुए, दूसरे का तामिला प्रतिवेदन सीओ के द्वारा दिया गया और वो उपस्थित नहीं हुए। कोई ये नहीं बचता है, ये समाप्त हो जाता है, तो हम चाहेंगे जो इन लोगों के विरुद्ध में मानहानि का भी दावा करें। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद भागलपुर एवं बेगूसराय के 60 गांव में बाल अधिकार सुनिश्चितीकरण के लिए जागरूकता और एडवोकेसी का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। आज के सेमिनार में वशिष्ठ अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत संस्था पीस एंड क्वालिटी सेल्स लीगल एक्टिविटी की निदेशक अहमदाबाद गुजरात से आई प्रीति झा ने कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ बाल सहायता केंद्र रेलवे चाइल्ड लाइन भागलपुर की ओर से भी लोगों को जागरूक किया गया। सेमिनार में बाल शोषण पर रोकथाम पर चर्चा की गई। साथ ही ये बताया गया कि बच्चों को दोस्त बनाकर रखें, तभी वे सारी बातों को आपसे शेयर करेंगे और दुर्घटना होने से बचाव हो पाएगा। देखिए आज का जो सेमिनार है, मैं बहुत खुश हूँ कि संवेद ये सेमिनार कर रही हैं और इतने सारे लोग पूरे अधिकारी सब यहाँ पे आए हैं। ये बच्चों को की का बचपना सुरक्षित रहे और उनका भविष्य सुनहरा रहे, खास करके सुरक्षित पे यदि हम ध्यान दें तो अभी जैसे मैंने बात किया कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बाल यौन शोषण हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, इसके लिए कानून भी है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना द्वारा आगामी 4 जुलाई एवं 5 जुलाई को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना संस्था के द्वारा बहुउद्देशीय मानसून मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर शहर के विभिन्न समाज की महिला उद्यमियों द्वारा बनाए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। ये मानसून फेस्ट भागलपुर की तिबड़ेबाल एसी भवन में 4 जुलाई व 5 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम थीम बेस्ड है, जिसमें 4 जुलाई सोमवार को ब्लू ड्रेस एवं 5 जुलाई मंगलवार को ग्रीन ड्रेस के थीम पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। आज के प्रेस वार्ता में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की प्रेसिडेंट लायन रश्मि अग्रवाल, सचिव लायन पल्लवी सिंघानिया, ट्रेजर लायन रेणु बेजवानी, कन्वीनर के रूप में सारिका खेत्रीवाल, सारिका जैन, सीरा जयसवाल, बबीता गुप्ता, मीना चौधरी के अलावे संस्था के सभी सदस्य मौजूद थी। मैं पापड़ हो, खजला हो या कोई भी नमकीन आइटम हो, स्टिच कर रही हो कुछ, या स्वेटर वगैरह लड्डू गोपाल का बनाती है, मसाला वगैरह कर रही है, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि उन लोग आगे बढ़ सके और अपना सामान का सेल कर सके, प्रचार हो सके उन लोगों का, ताकि बिक्री बढ़े, लेडीज आगे आए। और चुनहारी टोला टिबड़ेवाल भवन में एग्जीबिशन में लेडीज सूट्स है, लड़कियों की लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, राखी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, महिला सशक्तिकरण पे है। जो महिलाएं घर से काम कर रही है उनको हम लोग टेबल देके बाहर कर रहे हैं कि आप लोग लगाइए, हिम्मत लीजिए, प्रचार हो रहा है कि हाँ हमारी महिला घर से इतना कुछ कर रही है। भागलपुर से कहलगांव तक NH-80 पर चलना जान जोखिम में डालना है और हर पल खतरे की आशंका बनी रहती है। बीते 10 दिनों से शायद ही ऐसा कोई दिन होगा कि NH-80 के जानलेवे गड्ढों में कोई गाड़ी न पलटी हो। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ऑटो, टोटो एवं अन्य छोटी गाड़ियां ज्यादा शिकार हो रही है। घोगा के पक्की सराय गाँव के समीप NH-80 पर बने जानलेवा गड्ढों की स्थिति कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया NH-80 के लिए 2 पैकेज होने वाले काम के लिए टेंडर हो चुका है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है, जिसके लिए प्रोसेस चल रहा है। क्लियरेंस मिलते ही एजेंसी काम करना शुरू कर देगी।
कल एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है उसमें भी भागलपुर ज़िले में दो पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल होना करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पीरपैंती मिर्जा चौकी तक काम करेगी वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। NHSC का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा लेकिन NHFT मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। सारा चीज़ हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो। बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर मंठ घाट में दियरा पर से घास लाने के क्रम में छोटू नामक युवक गंगा नदी में डूब गया। छोटू ऑटो चलाकर अपना घर परिवार चलाता था। शनिवार की शाम में घास लाने गंगा के उस पार तैर कर जा रहा था। पिता विलास यादव का कहना है कि प्रतिदिन छोटू शाम में दियरा से घास लाने के लिए गंगा में तैर कर जा रहा था, वहीं अचानक युवक डूबने लगा और गंगा की गोद में समा गया। घाट के किनारे खड़े लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घाट के किनारे पहुंचे, वहीं युवक की खोज लगातार की जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर थाना प्रभारी अमित कुमार पहुंचकर घटना की जानकारी लिए और SDRF की टीम को सूचना दी गई। लोने जा रहा था उस पार। कहां? नदी को उस पार। कब यह हादसा? कब? वही 5:30 बजे लगभग। दिल्ली जाते थे? दिल्ली। क्या नाम था? छोटू कुमार। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत रात्रि एक स्कॉर्पियो की चोरी हो गई है। बताते चले कि आए दिन लगातार भागलपुर जिले में छोटी मोटी चोरी होती रहती है, परंतु हद पार करते हुए अज्ञात चोरों ने पूर्व मुखिया से जिला जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव मनोज पंडित का सफेद रंग की स्कॉर्पियो जो घर के पास लगी थी उसे उड़ा लिया। उक्त गाड़ी का चालक अजय पंडित नेताजी का अपना भतीजा है। चालक ने बताया कि हम 5 वर्षों से गाड़ी चला रहे हैं, रात में गाड़ी लगाकर चाबी चाचा जी को सौंप कर घर चले गए। सुबह गाड़ी गायब थी, काफी खोजबीन की परंतु गाड़ी नहीं मिली। नेताजी ने बताया कि आशंका है आसपास के लोगों ने ही मेरी गाड़ी गायब की है। बहरहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ लोदीपुर थाना में लिखित आवेदन दी गई। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने कहा कि पीड़ित की ओर से हमें आवेदन मिली है, पता लगते ही चोरों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर से दिखा कर गए हैं, गाड़ी लगा दिए हैं, उसके बाद जो है चाबी दिए हैं। अपने घर में, गांव में घर पड़ता है मेरा, एक भाई बड़े भाई का। अब मेरा घर यहाँ पे रोड पे ऑन रोड मेरा जहाँ बिजनेस चलता है वहीं पे पड़ता है घर। और सुबह में जैसे जगह तो डॉक्टर के यहाँ बेटी को लेके जाना था, बेटी का भी तबीयत खराब ही है, अभी भी खराब है। तो जैसे गाड़ी निकालने के लिए बोले, जब आया मेरा भतीजा निकालने के लिए गाड़ी की साफ सुफ करके रखेंगे तब तक आएंगे नीचे, तो हम डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। तो जैसे आए भतीजा तो बोला कि गाड़ी कहीं भेजें क्या आप भेजा, तो हम बोले गाड़ी तो कहीं नहीं भेजा है, चाबी तो यहीं है पड़ा हुआ। तो फिर खोजबीन होने लगा आपस में कि कहाँ गाड़ी गया, कहाँ गाड़ी गया। देखो नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर इस्माइलपुर बिंद टोली बांध स्थित स्पर संख्या 6 पर जाह्नवी गंगा तट हरित अर्पण के तहत शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आगमानंद जी महाराज के तत्वधान में पर्यावरण व जलवायु राज्य मंत्री से उपभोक्ता मामले खाद्य और वितरण भारत सरकार के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। मंत्री ने वृक्षारोपण के बाद कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का रक्षक है, साथ ही हमें यह प्राणवायु हवा देती है,
इसीलिए वृक्ष को लगाए, वृक्ष को बचाए, ये सब का अभियान होना चाहिए। वहीं गंगा तट से चलने के बाद सैदपुर दुर्गा मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने प्रकृति से जुड़े हुए हर एक मूल बात को रखा। वहीं मौके पर मंदिर में सम्मान का भी कार्यक्रम हुआ, जहां पर भाजपा के कई नेता मौजूद थे।